सबके दिमाग में, मतलब पूरे इंडिया के दिमाग में सबसे ग्रूसम केस जो रहा है वो निर्भया केस, ठीक है, 2012 में, एंड वी गॉट जस्टिस आफ्टर 8 इयर्स, क्राइम व्हिच वाज कमिटेड इन इंडियन हिस्ट्री. एग्जैक्टली. प्राइड देता है कि दे नीड टू बी डिपेंडेंट विद द लॉ. फर्स्ट आर्गुमेंट्स ऑफ हार मे लीगो हर्ट हुआ था इसमें, पहली बात. साइकोलॉजिकल आई वुड हैव स्टडी एट दैट टाइम. इंडिया वाज ऑन थर्ड नंबर इन वॉचिंग पॉन, बट इट इज सेकंड. नहीं नहीं फाइट करता, लेकिन उनको बोलता यू प्लीड गिल्टी. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो. सो टुडे आई एम योर होस्ट अमोक शर्मा, एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉडकास्ट वी हैव विद अस टुडे एन आर्बिट्रेटर, आर्टिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, एडवाइजर, एडवेंचरिस्ट, एनालिस्ट, एडवोकेट, एथलीट एंड ऑल राउंड एम्बेसडर ऑफ आत्मनिर्भर भारत. नहीं नहीं, नौ दस लोग आज पैनल पे नहीं आ रहे हैं. वी हैव लाइक वन पर्सन, द मैन हिमसेल्फ, द वन मैन आर्मी, मिस्टर मनीष यादव. So, hi Manish sir. Hi. Welcome to Blue Rose Podcast. So, starting off with the most cliche question, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है दिल्ली में today. First of all, today I am feeling good because today is the death anniversary of Swami Vivekananda. Though we celebrated with the silence, it is not celebration, but it is silence we apply for the first 1 minute or so. But the message, whatever is given in this book, Ambassador Atmanirbhar Bharat, and the chapter 2 speaks about how internationally Atmanirbhar Bharat was spread and by whom. It is Swami Vivekananda Ji. And that's the reason on this death anniversary, today we are conducting this podcast. I'm very thankful to Blue Rose. I'm thankful to Amog and all team. Nice, sir. Thank you. The pleasure is ours to have you on this particular stage. And, you know, वो कॉन्वर्सेशन जो अभी हम आज करेंगे, दैट यू नो विल गिव वेरी यू नो थॉटफुल इनसाइट्स टू आवर ऑडियंसेस एज वेल. सो स्टार्टिंग ऑफ एज आपका इंट्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स वेरियस यू नो प्रोफेशंस एंड बेसिकली यू कैन से पैशन. सो व्हाई एवरीथिंग यू हैव यू नो, मतलब उन सब चीज़ों को ट्राई क्यों किया? व्हाई नॉट यू नो स्टिक विद वन थिंग? मतलब वो क्या थॉट था बिहाइंड एवरी यू नो वो पैशन फॉलो करने का, वो क्या पावर थी बेसिकली? जैसे कि हम बचपन से जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे माइंड सेट में बैठ जाता है. वैसे ही मेरे पिताजी थे, वो ऑलराउंडर थे, जिनके मेमोरी में दिस बुक हैज़ बिन रिटन, श्री नाना साहेब यादव. तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ही हैड अ बिग आइसक्रीम डीलरशिप, ही वॉज अ बिल्डर, ही वॉज अ प्रमोटर, ही हैज़ डिफरेंट passions with regard to golf. He used to play golf and other sports, wrestling in his college days. And वो सब जब चीज़ें मैं देखता था पिताजी के, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता था कि अरे हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं. और वो भी बढ़ावा देते थे कि आप ये करो, आप बॉक्सिंग में जाओ, आप स्कूल में जो भी जितने भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करते जाओ, तो दैट विल बिल्ड योर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. तो अगर कुछ भी हो लाइफ में, एजुकेशन थोड़ा सा कम, पढ़ाई थोड़ा कम किया तो चलेगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप जो वो आप में होनी चाहिए. ओके, सो एज यू आर अ मैराथन रनर, तो एज आपके इंट्रोडक्शन में भी यू हैव रन थ्रू मेनी professions as well. Yeah, different. Actually, that are not the professions. That is passions. Basically. See, profession is like there's I will say that there is a four square. And square one is attorney. Square two means the path is advocate, advisor, and arbitrator. These are all linked to legal kind of lawyering business or legal sector. So, ये जो चीज़ है वो core है. वो मेरा प्रोफेशन है. ओके, बाकी का जो एथलीट है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एडवेंचरिस्ट है, बाकी जो भी है वो सब पैशंस है. और वो मैं परस्यू करता हूँ, उसके लिए मैं समय ढूंढ लेता हूँ, पा लेता हूँ. जैसे कि मैं अपने आप को बोल देता हूँ कि इतना ही केसेस लेना है, इतना ही लीगल काम करना है, उससे आगे नहीं करना है, कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को भी समय देना है. और जो सोशल एक्टिविटीज है, जैसे कि हमारे एनजीओ है यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट, उसमें समय देना है. और I give free lectures to various institutes, academies, so that people can learn from me. कि failure आता है life में, या कुछ कुछ चीज़ें होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दियो, भागो,
वहां से, तो आप जब स्टिक रहोगे आपके गोल्स के तरफ वो ये करके, तो आपको डेफिनेटली यू विल अचीव इट। सो यू सेड के लॉ बेसिकली यू नो हैव द पर्टिकुलर कोर इन दैट स्क्वायर. सो यू आर एन अटर्नी राइट नाउ, एंड कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट आया हो कि यार एक बार जज अगर होता तो? कभी मतलब एक रैंडम थॉट आया होगा कहीं ना एक्चुअली कहीं. एक्चुअली इफ वन आउट ऑफ दैट फोर स्क्वायर, वन इज आर्बिट्रेटर, एंड आर्बिट्रेटर इज सिमिलर टू जज। जज इज ओनली बाउंड बाय दी स्ट्रिक्ट एंड प्रोसीजरल लॉ कोडिफाइड, वेर एज आर्बिट्रेटर हैज हिज ओन डिस्क्रिशन ऑन मेनी मैटर्स, एंड ही डोंट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन मीन्स दी प्रोसीजरल लॉ, ही हैज द फ्लेक्सिबिलिटी। सो जज वैसे भी हम जब आर्बिट्रेशन मैटर्स में बैठते हैं एज एन आर्बिट्रेटर, एज ए कंसिलिएटर, सो उसमें जजशिप है ही। लेकिन जज, आपने जैसा कहा कि जज, आई डोंट वॉन्ट टू बी जजमेंटल, बट अबाउट द जज, वन थिंग इज दैट इट इज वेरी बोरिंग। फर्स्ट थिंग, बोरिंग. इट इज वेरी बोरिंग बिकॉज यू आर कट ऑफ फ्रॉम होल सोसाइटी। जजशिप में क्या होता है कि आपको ज्यादा मिक्स होना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर एथिक्स। बट सोशल लाइफ तो. सोशल लाइफ में ज्यादा नहीं जा सकते हो, जा सकते हैं ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन फिर कल कोई अपोनेंट का केस किसी का चालू है, मेरे साथ आके फोटो खिंचवा दे और कल बोल दे कि ये ऐसा है, ओके तो ओके. दे हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस। सो जजशिप इज गुड। पर्सन लाइक आई एम वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन, फॉर मी जजशिप इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माई नेचर, बट इट वॉन्ट अलाउ मी टू डू मेनी थिंग्स। आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स एंड आई नीड टू अचीव, आई वॉन्ट टू अचीव मेनी थिंग्स, सो दैट जजशिप इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन परमिट दैट मी पर्टिकुलर प्रोसेस. टू प्रोसीड टूवर्ड्स माई गोल्स। ओके. तो वो जैसे पर्टिकुलर अगर सपोज आप बात करें कि जज की इतनी सोशल लाइफ नहीं होती, तो जैसे बाहर के देशों में भी वी हैव लाइक पीपल जो केस को सिटीजन्स को बुलाते हैं एंड जूरी दे जूरी। जूरी दे कॉल देम एंड वो जज कर रहे होते हैं. उन जूरी को भी अलाउड नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी से बात करें या न्यूज़पेपर भी देखें या टीवी न्यूज़ वगैरह देखें. तो यहाँ पे भी ऐसा इंडिया में होता है ऐसा? नहीं, एमाइकस एन एक्सपर्ट जो भी केसेस में है कि एक एक्सपर्ट एडवाइजर बुलाया जाता है एंड ही गाइड्स यू ऑन द कोर्ट एज वेल एज द होल प्रोसीजर इज बीन गाइडेड बाय हिम। हाँ, एमआईकेस का ज्यादा प्रोसीजर है, वैसे विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है, लेकिन जूरी काइंड ऑफ सिस्टम यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो उसका मतलब कुछ क्या आपको लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ ड्रॉबैक्स है उसके इंडिया में एक्चुअली बेसिकली? इंडिया में बेसिकली जितना हम ऑलरेडी अपना जो लॉ का प्रोसेस है वो लेंदी है, हाँ आप देखा जाए एग्जैक्टली. तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड मेनी टाइम्स यू सेड यू सी दैट जस्टिस इज डिनाइड बिकॉज इट हैज बिन डिलेड, और वो हर केसेस में होता है। तो मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे कि बहुत 36 साल, 40 साल, एक एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आने तक लग लगता है, जाते हैं समय एग्जैक्टली. लग जाता है, और तब तक तो सब कुछ हुआ रहता है, यानी पर्पज ही फुलफिल नहीं होता आप लॉ कोर्स लेने का, यानी गोइंग टू द कोर्ट्स एंड गोइंग फॉर फाइटिंग जस्टिस. फॉर जस्टिस फॉर 40 इयर्स, 50 इयर्स, इट डजंट सर्व द पर्पज। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में वी हैव लाइक डिलेड जस्टिस, मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को? बिकॉज आज की डेट में अगर आई एम यू नो मिडिल क्लास मैन, मैं सोचूंगा एक बार किसी पे केस करने से पहले, बिकॉज मैं वो भागा दौड़ी उसमें खर्चा मेरा लॉयर को वो मैं उतने टाइम पीरियड तक वो खर्चा देता वेरी रहूंगा, ट्रू। तो कहीं वो मेजर्स लेने चाहिए अभी बिकॉज इट्स हाई तो टाइम राइट या नाउ. सो टू थिंग्स, देर आर न्यू अमेंडमेंट्स कमिंग इन वेरियस लॉस, एंड ऑल्सो द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अभी जो आर्बिट्रेशन एक्ट में की मैक्सिमम दे फर्स्ट आस्क यू टू गो एंड मीडिएट इन सिविल केसेस, क्रिमिनल में नहीं वो हो सकता। वो तो क्रिमिनल में क्या है कि आपको जैसा कि इट इज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि प्रोसिक्यूशन का केस बन जाता है वो, कभी भी किसी के खिलाफ कुछ रॉन्ग ये हो जाता है तो उसमें तो आर्बिट्रेशन का नहीं है कुछ रोल। लेकिन जैसे कि सिविल है, सिविल सिविल. कॉरपोरेट या ये सब, तो वहां पर मीडिएशन का रोल आता है, तो मीडिएशन करवाते हो या तो फिर आर्बिट्रेशन करवाते हो। आर्बिट्रेशन में तो अंडर सेक्शन CPC 89 में आप जैसे कि प्राइवेट आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो, उधर आर्बिट्रेशन आपका केस दोनों पार्टी बोल के
कि वी वांट टू आर्बिट्रेट एंड वी डोंट वांट टू बी बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉ लेड डाउन अंडर द सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड. एंड फिर वो हो जाता है तो उसके उन्होंने अल्टरनेटिव दे दिया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 एंड ऑल्सो द अदर एक्ट्स, अलाइड एक्ट्स, मीडिएशन बिल भी है. तो एक वो बात है. और सेकेंड कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा 1st of July जस्ट 4 days बैक होल क्रिमिनल मैनुअल, नॉट ओनली आईपीसी, होल क्रिमिनल मैनुअल हैज बीन चेंज. आईपीसी हैज बीन रिप्लेस विद बीएनएस एंड ऑल अदर टू एक्ट्स लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड एंड ऑल्सो द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हैव बीन रिप्लेस्ड. दैट थ्री टूगेदर इज कॉल्ड एज क्रिमिनल मैनुअल एंड होल क्रिमिनल मैनुअल हैव बीन चेंज्ड. And think, hope so that things will change eventually. तो वो जैसे चेंज करना आईपीसी या पूरे क्रिमिनल मैनुअल या जो भी सेक्शंस वगैरह उनको बीएनएस में चेंज करने का क्या पर्टिकुलर रीजन रहा होगा? एक्चुअली जो टेक्निकलिटीज थे जिसके वजह से डिले होता था, जैसे कि एफआईआर फाइलिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो टाइम बाउंड नहीं होती थी. तो अभी उन्होंने टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाबा जो केसेस को सालों साल लग जाते हैं वो नहीं होना चाहिए. जैसे कि स्पॉट मेजर अभी साइबर बहुत ही बढ़ रहा है, तो साइबर में आप कैसे इमीडिएटली रिलीफ दे सकते हो विक्टिम्स को भी, विटनेसेस को क्या रिलीफ मिल सकता है इमीडिएटली, आपको क्या क्या और सुधारना कर सकते कर पाते थे, उन्होंने कोशिश किया है. और नथिंग इज परफेक्ट, एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ डेड पीस ऑफ पेपर अनलेस एंड अंटिल यू इंटरप्रेट इट प्रॉपरली एंड यू पुट लाइफ इन टू इट. सेम ऑल लॉज. तो जैसे अभी बी एन एस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी एन एस में 377 जो था आईपीसी में दैट इज रिलेटेड टू सोडोमी, दैट वाज पर्टिकुलरली तो वो हट गया है. वो नाउ मेन रेप, एनिमल रेप एंड ट्रांसजेंडर रेप आर लीगल काइंड ऑफ, यू कैन से. नो, इट इज नॉट लीगल. सी, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट लीगल और इलीगल का सवाल कभी आता है. लीगल है, इट इज व्हाट वी कॉल इट एज रेप, इट इज नॉट रेप. वैसे भी आपको आप अलग सेक्शंस लेके आप उनके खिलाफ जा सकते हो, रेप का जरूरत नहीं है उसके लिए. कि यू कैन गो कि एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, तो एनिमल प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो है उसमें आप फाइल कर सकते हो. आगे एनिमल को कुछ होता है किसी की तरफ से जो क्रुएल्टी किसी भी तरह की हो, नॉट नेसेसरीली रेप. और जैसे कि हम जो कहते थे कि दो साइड के आर्ग्यूमेंट्स है, जो LGBTQ ग्रुप है वो कहता है कि वी वांट, बट वहाँ मर्जी का सवाल आ जाता है. जैसे कि हाँ बोले तो छोड़ना नहीं, ना बोले तो छेड़ना नहीं, वो सिंपल हिसाब है उसमें. ही इज रेडी, ही इज रेडी, why should we say मियाँ बीबी, मियाँ मियाँ राजी तो क्या करेगा काजी. exactly. so it's like that. and when there is any kind of problem, if one of them is not ready, so he has his own wish, go and file an FIR. he is forcing, he is doing that, he is whatever. तो कुछ अलग sections हैं जिसके तहत अलग section में आप तहत जा सकते हो. तो वो दफा सिर्फ change होते रहेगा आपका, लेकिन but you can get justice. it's not that you are left without any remedy. ओके, सो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कोर्ट्स वगैरह की एंड जजेस की, सो आई गेस यू हैव बीन टू यू नो मेनी ऑफ द कोर्ट्स, कितनी बार आप गए होंगे. तो वो एक जो रियल लाइफ में दिखाया जाता है ना, मैं किसी मूवीज में कि कट करा रखा है, वहाँ पे एक क्रिमिनल है उसके बगल में मार हो रही है पीछे एंड वो उसका बेटा खड़ा है वो बेकसूर है, तो ऐसा इट हैपेंस इन रियल लाइफ आल्सो. इट हैपेंस वेरी रेयरली, बट सी व्हाटएवर शोन इन डिफरेंट मूवीज एंड ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड अदर थिंग्स, इट्स 5% ऑफ व्हाटएवर, 5% ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन कोर्ट. इन कोर्ट यू हैव टू बी सीरियस, सिंसियर अबाउट योर ओन प्रोफेशन एंड दे आर वेरी गुड जजेस नाउ डेज दैट they will not tolerate any kind of nonsenses from the lawyers. okay, to wo warning wagera bhi kuch nahi, wo jo dramatic hota hai main aisa karunga aur wo karunga and your lordship and this and no, they are not going to tolerate you if you are going to create any drama. and judges are so particular
particularly into high courts as well as in Supreme Court. Hmm. In this court where I practice in Bombay High Court and Supreme Court whenever needed. Okay. So, यहाँ पे मैंने देखा एक माहौल कि दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम. जैसे कि अलग अलग नीचे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता है, ऊपर वो दे डायरेक्टली पिन पॉइंट पेज नंबर दिस, पैरा नंबर दिस, यू गिव अस द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस. बाकी का कुछ स्टोरी नहीं चलेगा, जो स्टोरी जो बताया जाता है वो दे हैव ऑलरेडी डन देयर होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, एंड whatever we have not understood from it, we would be asking you the particular question, one or two, because Supreme Court don't have time. See, 1.4 million population ke liye sirf 34-35 judges bait, so it is not enough. Itne hisab se aap jo Supreme Court ka, so they don't have time. So time ki baat hui hai, I guess ek bahut सबके दिमाग में, मतलब पूरे इंडिया के दिमाग में सबसे ग्रूसम केस जो रहा है वो निर्भया केस, ठीक है, 2012 में, एंड वी गॉट जस्टिस आफ्टर 8 ईयर्स. तो वो इतना टाइम जबकि चीजें सामने थी. एक्चुअली आई वुड बी वेरी ट्रू यह, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर लगाया गया था, अलग अलग मीडिया से प्रेशर था, अपोजिशन से प्रेशर था, जो लोग जैसे कि प्रूडेंट मैन है, वुमेन है, उन्होंने प्रेशर लगाया, उसीलिए इसका जजमेंट जो है 8 साल में लग गया. ऐसे बहुत सारे रेप केसेस, तो प्रेशर एज इन जैसे कि प्रेशर माउंट हो जाता है कि ऐसा इतना, दिस वाज अ हीनियस काइंड ऑफ क्राइम व्हिच वाज कमिटेड इन इंडियन हिस्ट्री, होल हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ, एंड इट इज नॉट ओनली क्रिमिनल लॉ बट इट इज लाइक एनीथिंग इज अगेंस्ट अ वुमन, इट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. बिकॉज मेल हो या फीमेल हो या और कुछ भी हो, पैदा करने वाली फीमेल होती है, ये कभी भूलना नहीं. कभी भी कोई भी शेर कभी भी शेर से पैदा नहीं होता, शेरनी से पैदा होता. तो ये भूल जाते. तो उसमें भी क्या हुआ था, एक्चुअली वो प्रेशर था, उसीलिए प्रेशर माउंट की वजह से ये जजमेंट जल्दी लग गया. नहीं तो वैसे हमारे कुछ में इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट टाइम वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ रेप, पर्टिकुलरली 376, बिकॉज आई यूज टू बी जूनियर ऑफ दैट पर्सन हु यूज टू ओनली टेक टू पर्टिकुलर केस, वन मर्डर एंड वन वॉज रेप केस. सो मुझे बहुत घृणास्पद लगता था, बहुत बुरा लगता था कि ये ऐसा ये करके आते हैं और हम उन्हें छुड़ाते. एंड माय कंसर्न, सी, लॉयर्स ड्यूटी इज टुवर्ड 5 C's अकॉर्डिंग टू मी. 5 C's. 5 C's. ओके. फर्स्ट सी इज लॉयर्स ड्यूटी टुवर्ड्स ओन कंसर्न्स. फर्स्ट वन इज कंसर्न्स. द सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन. द थर्ड इज टुवर्ड्स द कोर्ट. कोर्ट. ओके. And the fourth one is towards the client. And lastly, it's towards the colleagues. Whether it is opposition, whether it's your own colleagues or whatever. So these 5 C's are very important. इसमें अभी गलत क्या हुआ है कि लॉयर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लॉयर लोग की बात करता हूँ मैं, कि फर्स्ट प्रायोरिटी दे गिव टू द क्लाइंट. क्लाइंट मीन्स मनी, जो कि फोर्थ नंबर पे आ रहा है. वो प्रायोरिटी वाइज जो लिस्ट में देखोगे तो चार चौथे नंबर पे, जो जिसका भी सी हमारे बुक में लॉयर प्रेयर है, तो उसमें पॉइंट जीतना है लेकिन अपने सोल को हरा के नहीं जीतना है. उससे एक बहुत जो आपने बोला फर्स्ट सी, दैट इज कॉन्शियस कंसेंस, सत्सत विवेक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, सत्सत विवेक बुद्धि. तो वो उस टाइम पे निर्भया केस जो हैंडल कर रहे थे डिफेंस लॉयर अजय प्रकाश, वो कहाँ था उस टाइम, वो फर्स्ट सी कहाँ था उनका? Actually, वो सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो जो जब उन्होंने केस लिया ना, तो दैट वाज मतलब पूरा इंडिया वाज शॉक्ड कि जो केस एकदम सामने सामने, एंड यू हैव यू आर डिफेंडिंग द यू नो या दैट टू साइड्स ऑफ वन कॉइन. आई वुड लाइक टू से आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिम. फर्स्ट दैट एवरी वेदर इट इज means heinous out of heinous crime भी रहने दो, लेकिन उनका right है, constitution उनको right देता है कि they need to be defended with a lawyer. First thing. He was assigned by the government or उन्होंने खुद उठाया था ये? Actually I don't know that in detail, but according to me, which I have heard, he took it himself. Exactly my point. And
जैसे कि उनके बारे में, पर्सनल बारे में मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज माई ड्यूटी इज टूवर्ड्स कलीग, बिकॉज आई एम लॉयर, ही इज द लॉयर, फिफ्थ सी एंड वी हैव आवर ओन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स. सो पर्टिकुलरली जस्ट बिकॉज आई एम लॉयर, आई कॉन्ट कमेंट ऑन दैट पर्सनली. बट एक्सैक्टली. आप कंसेंस के बारे में, मेरा चॉइस मैंने तो बोल दिया कि इफ मुझे कोई बोलता था कि आप ये केस लेते हो, मैंने आज तक केस लड़ा है तो वो विक्टिम के बाजू से लड़ा है. सपोज आपको हम बोलते, सपोज अगर हम एक सिनेरियो बनाए, तो आप अजय प्रकाश की जगह हैं एंड एपी यू सिंह, एपी सिंह, एपी हिज नेम इज सिंह, एपी सिंह. एपी सिंह, आप एपी सिंह की जगह हैं, यू हैव टेकन द केस. तो क्या डिफरेंट, क्या थॉट होता आपके दिमाग में वो चीज के रिगार्डिंग? मतलब फर्स्ट थिंग एक्चुअली, इफ आई फर्स्ट सपोज थिंग, आपको गवर्नमेंट ने असाइन किया होता, हाँ अच्छा, तो गवर्नमेंट ने मुझे सपोज. प्रोसिक्यूशन बोल के, तो गवर्नमेंट ने असाइन किया तो दो तरफ से असाइन होते हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूशन तो निर्भया के तरफ से हुआ, दे वर और द डिफेंडिंग. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट नाम का एक एक्ट है, जहां पर कोई लॉयर नहीं अफोर्ड कर पाता है, या कोई ना ना बोले, कि कोई भी ना बोल रहा है कि अंडर, तो जो भी रजिस्टर्ड लॉयर्स है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के हैं, तो उनको फ्री में लॉयर प्रोवाइड किया किया जाता है जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है. तो आप, हम वो सिनेरियो देखेंगे कि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, और वो मुझे कह रहे हैं कि कि आपको आप एक केस जो लेना. अक्यूज है, ये जो भी है अक्यूज जिन्होंने ये सब घृणास्पद चीज किया, तो आई वुड हैव इंटरव्यूड देम फर्स्ट, दैट क्या हुआ था, ऐसा क्या. अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट थिंग विच हैड हैपेंड इज व्हेन शी रिप्लाइड, शी माइट हैव रिप्लाइड इन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हार्ड, मेल ईगो हर्ट हुआ था. इसमें पहली बात साइकोलॉजिकल, आई वुड हैव स्टडीड द केस इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली पर्सनली ऑन दैट मैन, बिकॉज दैट इज एन स्मॉल इवेंट, यू नो, इट इज देखा जाए तो वो बहुत ये नहीं है कि जो ट्रिगर किया ये सब, उनको करने में जो ट्रिगर किया, तो वो स्मॉट हीटेड आर्ग्यूमेंट या कुछ तो रहेगा हाँ, जिसके वजह से उन्होंने वो इट मेल ईगो पे आ गया हिट कर उनके, गया. और फिर वो हिट कर गया, तो उन्होंने किया अभी इसको अपन ठीक ही करेंगे, तो एक बोल रहे तो दूसरा बीच में आया रहेगा, क्योंकि दे वर नॉट नोइंग, ऑल वर नॉट नोइंग ईच अदर इन दैट केस, कि हमने डिसाइड करके ये लड़की को टारगेट किया, ऐसा ये नहीं कोई हुआ. तो प्लानिंग. आई वुड हैव गॉन इन टू द डीपर रूट्स वाई इट हैज हैपन, एंड देन इवेंचुअली आई वुड हैव सेड दैट ओके, दिस वॉज वन रीजन दैट मेल ईगो वॉज हर्टेड, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज दैट आई वुड फ्रेंकली से दैट टूडे, और इवन इन 2012, एट दैट टाइम इंडिया वॉज ऑन थर्ड नंबर इन वॉचिंग पॉन, थर्ड. थर्ड नंबर. टुडे इट इज सेकेंड ऑफ फर्स्ट, इट मे बी फर्स्ट बट इट इज सेकेंड. सो क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी जो चीजें एक्चुअली, व्हेन वी से पर्टिकुलरली अबाउट, आई एम नॉट हियर टू गिव एन सच लेक्चर, बट टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज अ वेरी डिवाइन थिंग. फिजिकल रिलेशनशिप इज अ वेरी डिवाइन थिंग, इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, विदाउट विच नो लाइफ कैन बी देयर. सो इंस्टेड ऑफ दैट, दिस पॉन एंड ऑल अदर थिंग्स, दिस क्लिप्स एंड गोइंग ऑन एंड कंटिन्यूस ऑन दी सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विद इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स एंड ऑल, दिस हैज क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकी इन मैन एज वेल एज वुमेन, सम ऑफ द वुमेन. सो उससे क्या हुआ, ये माहौल बिगड़ गया है पूरा, कि कल तक मैं जो सोच भी नहीं पाता था, आज ये सब देख के मेरे दिमाग में बैठ जाता है ये सब चीज, दिस इज इवन यू थिंक दैट वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, वट एवर यू सी. सो जैसा कि एजुकेशन में होता है कि आपको सिखाया जाता है तो आपके दिमाग में आता है, तो आप आंसर कर कर देते. पाते हो कि क्वेश्चन पूछा है, तो वैसे ही जो भी आपके दिमाग में, आपने जो देखा पकड़ लिया दिमाग में, तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि साइकोलॉजिकली कि ये मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने ऐसा वो किया तो क्या हुआ. तो इसमें अलग अलग पार्ट से, तो जो फर्स्ट रीजन था वो मेल ईगो हर्ट हुआ था, मेरी गो. इसका 101%, और कुछ बच्चों के लिए या कुछ उधर वो रहे अनसेटिस्फाइड मेन, हम उसको कहेंगे कि उनको वो दे वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स प्रॉपरली, एग्जैक्टली. एंड दैट ऑल टू थिंग्स केम टूगेदर, एंड एक अबला नारी को आर्ग्यूमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गला घोटो या उससे ये सब चीजें करो, आई एम वेरी फर्म अबाउट माई ओपिनियन एंड वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट. सो ये नहीं होता, तो उसमें रेमेडी क्या हुआ, ये दो चीजें मिक्स हुई, तो मैंने क्लियरली उन्हें कहा रहता, और जज को भी कहा, दे आर गिल्टी एंड दे शुड बी पनिश, देन यू डिसाइड वॉट द पनिशमेंट शुड बी.
मैंने उनको कहा रहता कि आगे जाओ, अपील करो, ये करो, मैं आगे जाके फिर अपील करके आपको ये दिलाऊंगा। नो, बट आप फाइट नहीं करते उस टाइम। नहीं नहीं फाइट 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 करता, लेकिन उनको बोलता यू प्लीड गिल्टी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। आई हैव मैनी क्लाइंट्स कम विथ मी, कम टू मी एंड से दैट हमने ये गलत किया। मैं आज भी ज़्यादा गलत का साथ नहीं देता हूँ। मैं यू सी द डिफरेंट लॉयर और अदर लॉयर इवन इफ इट कहाँ, इन्वॉल्व बिग लोड्स ऑफ मनी। ग्रेट या इवन इफ, बिकॉज मैं मनी के लिए प्रैक्टिस नहीं करता। फर्स्ट थिंग, आई एम वेल ऑफ, ग्रेट आई एम वेल ऑफ, दैट्स द रीजन आई हैव अ लिबर्टी, सो आई ग्रेट कैन वर्क विद माई ओन कंशाइंस फर्स्ट एंड देन फॉर द मनी। मनी कम्स लेटर, मनी जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मनी सब कुछ है। एग्जैक्टली। तो वो उस टाइम पे यू वुड हैव सेट देम कि आप गिल्टी प्लीड करो, आई गिल्टी प्लीड करो बजाय फांसी के, हम देखेंगे सजा करवा कि देंगे, उम्र कैद हो जाए उम्र कैद हो आपको जाएगा। बजाय शादी। और फांसी तो बहुत आसान से मौत हो गई। देखो, आसान की मौत यानी बहुत ये हो गया, उनको ज्यादा से ज्यादा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जहां से वो सोच जहां पे आई, वो जब तक आप वो मारोगे नहीं एग्जैक्टली। तब तक बाकी के लोगों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज क्या कहते हैं बच्चे बच्चे छोटे छोटे, क्या रे ये कर दिया मैंने, किसी को मार दिया तो मुझे मार दो, क्या मुझे खत्म कर देंगे, और क्या होने वाला है, मैं फांसी के लिए तैयार। ये जो लैंग्वेज है, जब आप माइंडसेट पेन बेसिकली है। आप बेसिकली जब देखोगे उनको रिग्रेस इम्प्रिजेंट मिल रहा है, 25-25 साल उनको हार्ड वर्क करवाया जा रहा है उनसे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका डर ज्यादा रहेगा, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा मरना बहुत डिफिकल्ट है। एक झटके तो में मार दिया तो बात खत्म। उससे कुछ उनको वो भी नहीं होगा ना, रिग्रेट भी नहीं आएगा कि हाँ, हाँ ठीक उनको है। पता नहीं चल गया, मार दिया मार दिया, चलो फांसी बट लग वो गई। कहीं ना कहीं एक वो इफ माय डेटा इज करेक्ट, एक अभी भी आई गेस जुवेनाइल था जो जिसको फांसी नहीं हुई है। एंड एक्चुअली उसी के वजह से हमारे जो लॉज है, जैसे कि चाइल्ड लॉज और जुविनाइल के हिसाब से, उनमें कुछ सुधारना लाना जरूरी है। जैसे कि आपको, तो यू माइट बी नोइंग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, नो बट यू माइट बी नोइंग ए वेरी रिसेंट केस ऑल्सो इन पुणा, पोर्शे द केस, पोर्शे पोर्शे केस, द केस। एक पोर्शे बच्चा केस था, वो छोटा था, उसने दो जनों को उड़ा दिया, उड़ा दिया एंड दे दे वर वर। फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, एंड वो सब करने के बावजूद भी उनको कुछ शर्म नहीं थी। वो सो आई गेस मैंने ये भी सुना है कि वो जब वो अभी उसको बेल मिल थाने गया में हाई कोर्ट था, से। बेल मिल गया, जी, एंड आई एंड गेस जब वो थाने में था ही वाज सर्व्ड विद पिज्जाज एंड ऑल। पिज्जाज एंड ऑल, एंड दिस इज द पैथेटिक स्टेट, यू नो, जस्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, दैट डजेंट मीन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव आर्ग्यूड इन आर बुक, दैट रूल ऑफ लॉ। इन लास्ट चैप्टर वी हैव आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिच एंड पुअर शुड शुड गेट बी दिस। इक्वल इन आईज ऑफ लॉ। तो वो अभी उस केस के मतलब उनके फादर को भी किसी पुराने केस में ये पकड़ा सब है, सब उनके वो पूरी वो दादा को भी लाइन, या हाँ वो पूरी उनके लाइन मम्मी अब, को भी। हाँ तो वो केस तो मतलब दैट वाज दैट वाज द एन आई 17 ईयर ओल्ड ओपनर। सी किड। इट इज व्हाट आर यू डूइंग मैन। ऑल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स था ससुन का, वो सस्पेंड किया गया। जो पुलिस था जिन्होंने उनको ये किया, वो सस्पेंड किया। जो जुवेनाइल बॉडी थी, जो जस्टिस बॉडी, जिन्होंने उनको निबंध लिखने के लिए कहा है ऐसे कुछ, लिखने के तो लिए वो सब ऐसे लिखने के लिए कहा, वो सस्पेंड हुए। मतलब यू हैव सो टेकन देयर टू इज लाइव्स समथिंग, एंड यू या जस्ट नीड टू राइट 300 वर्ड्स ऑन इट। एंड दिस इज लॉ, एंड देयर इज अ गैप, देयर इज अ वैक्यूम, यू नो, जस्ट बिकॉज योर एज इज स्मॉल, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इजीली। तो ये बीएनएस में कवर हुआ अभी जुवेनाइल बीएनएस के। और कुछ सुप्रीम कोर्ट में के जजमेंट्स है कि इंटेंट क्या था उनका, इंटेंट क्या इंटेंट क्या था। था। तो ओके इंटेंट, और इंटेंट होने के बाद भी आपका बाद में आपको कुछ गिल्टी लग रहा है कि आपने हैवी लग रहा है, क्या मैं मेरे मेरे मैं गाड़ी चला रहा था, दो जाने गई, सॉरी टू से, बट जस्ट इवन कमिंग टुडे कपल ऑफ आवर्स बिको आई मेट विद एन एक्सीडेंट। माय कार वाज पीछे से मेरे कार को ठोका जो होटल से आ रही थी, तो आई बिकेम अ ट्रैफिक रेगुलेटर देयर। सो व्हाट, वो तो ड्राइवर बेचारा डर गया, नया नया था, उसको कुछ पता नहीं था। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर सोशल कॉन्शियसनेस, यू नीड टू बी कॉन्शियस। एंड दिस इज, जैसा कि वो बच्चा है तो माता पिता ने उनको गाड़ी क्यों दी, एग्जैक्टली।
व्हाई दे नो दी लॉज। भी तो उसको वो ड्राइवर था, ड्राइवर पे भी वो चीज आई थी बाद में कि मैं चला रहा था, बट मैनेज करवाना की कोशिश कर रहे थे माता पिता कि आप ले लो, आप पे ले लो। हाँ एग्जैक्टली, पर ऐसे तीन इंसिडेंट्स हुए लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा किया नहीं, दबाया गया। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट मेरे को एक थोड़ा वो है कि वो ऐसे में क्या लिखा होगा उसने, मेरे को वो जानना है थोड़ा सा कि उसने अभी तक इसे लिखा ही नहीं, क्या पता वो भी किसी ने लिखा हो। या डेफिनेटली इज नॉट प्रूडेंट। सो कमिंग बैक टू यू नो दैट पर्टिकुलर केस ऑफ निर्भया एंड टॉकिंग अबाउट एपी सिंह, तो कहीं ना कहीं वो एक पब्लिसिटी स्टंट काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, बिकॉज़ ही गॉट वेरी फेम डायरेक्टली, बट most of the judges lawyers who don't have limelight or who don't enjoy something, but he got death threats, uske ghar pe patthar bhi feke hain logon ne, nahi actually wo to kaise ki emotions run hue logon mein, aur fir ek jaise ki is taraf rehta hai logon ko bhi ek emotions ke mein publicity gain karna hota hai ki humne patthar rakha, humko man ki shanti mili uske ghar pe patthar dal ke, to dono I told you that there are two sides of one same coin. That happened. Okay. तो वो जब जैसे उस टाइम पे जब उन पर्टिकुलर, मैं टू बी ऑनेस्ट अपना ओपिनियन बताऊं, मैं 5:30 बजे सुबह आई गेस उनको फांसी हुई है एंड मैंने पूरी रात वो स्ट्रीम देखा है इंडिया टीवी इन सब पे। दैट टाइम ऑल्सो एपी सिंह वॉज रनिंग ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की बस ये रुक जाए, किसी भी तरीके से रुक जाए। तो वो जब रन नहीं करेंगे तो तब उनको पब्लिसिटी या उनको फेम कैसा होगा, फेम कैसा मिलेगा, तो वो कोशिश करेंगे तो उनको मिलेगा। बट ये चीज सेम जो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन था उस 5:30-6 बजे के अराउंड जब उनको फांसी हुई, द होल इंडिया सेलिब्रेटेड, but I did not celebrate because I was feeling so bad. That was even though we got justice 8 years later, exactly, but I was not feeling well really, because jo cheez hua hai unke sath, wo ladki ke sath jis tarike se hua hai, I was feeling in fact very guilty, because the laws, if you had such a powerful evidences with you with the prosecution and all, इमीडिएटली अगर फांसी लगनी ही थी तो इमीडिएटली लगनी चाहिए थे, साल दो साल आठ साल आठ साल क्यों लगे। सो आई वॉज नॉट सेलिब्रेटिंग। ओके फेयर एनफ। सो ये भी हो सकता था कहीं ना कहीं कि एक पॉइंट ऑफ जब फांसी हुई तो उतनी आवाज ह्यूमन राइट्स वालों की एज यू सेड कि उस टाइम मतलब नहीं आई, नहीं क्योंकि ह्यूमन राइट्स दैट टाइम वो फ्रॉम उसकी निर्भया के बाजू से थे। एग्जैक्टली बट जब अजमल कसाब का केस हुआ 2008 में जी, उस टाइम पे जब उसको फांसी लगाई गई, many you know got their voice back, human rights wale, to wo kya matlab, he was a terrorist also proven, cctv mein show hua, he have killed 72 people, yeah, to us time wo awaaz kaise aayi? Actually basically Ajmal Kasab was an international terrorist, he was an ISI agent, and he came and his purpose was to solely kill as many as people. Aaj bhi जैसे कि हमारे किताब में भी एम्बेसडर ऑफ आत्मनिर्भर टू कंट्रीज पर्टिकुलरली वी हैव मेंशनड, वन इज पाकिस्तान एंड सेकंड वन इज चाइना, पर्टिकुलरली हु आर नॉट गुड विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड दे डोंट वांट इंडिया टू बी आत्मनिर्भर और विकसित, बोथ ऑफ देम डेवलपमेंट नहीं चाहते। तो पाकिस्तान का बेसिकली सिंस 1947 एक एजेंडा है, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आई वुड say because I am also on National Security Committee, means उसका जो private committee है उसमें मैं काम करता हूँ, मैं उसका ये student हूँ, सिखाता हूँ। तो उसमें उनका एक motto है 1947 से, bleed India by 1000 cuts, bleed India by 1000 cuts since 1947, now they have changed bleed India by crore cuts, कुछ भी करो, छोटा से छोटा करो, लेकिन ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, उसमें का एक ये कसाब था। जैसे कि अलग अलग टेररिस्ट है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, या पाकिस्तान इज अ होस्ट टू सो मेनी डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड they have a very clear agenda and very clear motive, bleed India, और उसमें fueling का काम पूरा maximum China करती है, पहले different countries भी करती थी, उनका नाम लेना अभी जरूरत नहीं, because we have created a very good relationship with them, okay. Now the whole equation have been changed in international relations and national security, but all countries used to support them, now only
फ्यू कंट्रीज पर्टिकुलरली चाइना सपोर्ट्स देम, पाकिस्तान exactly. हाँ, क्योंकि उनको पता है कि अभी इंडिया का सी वी आर एशियन कंट्रीज है, एशिया वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग पैरेलल, सो नॉट इन वर्ल्ड बट इन इंडिया, सो इन एशिया वी शुड, नो वन शुड सुपरसीड अस, मींस चाइना. तो चाइना की तो वो अलग ही है, मतलब श्रीलंका में पोर्ट आप उनको लोन दिया आपने, बट वो वापस नहीं कर सकते, वहां अपना एक पोर्ट बना लिया. वो स्ट्रेटेजी वही करते कि जैसे कि वो बैंकर्स के जैसा काम करते क्या, और फिर वो लिख लेते पैसा ले लो. सिमिलरली टू ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू द सेम थिंग, आपके यहाँ पर वो बिजनेस करके करने के लिए आते. वी हैव आर्ग्यूड एवरीथिंग, द कॉलोनियल माइंडसेट एंड नॉन कॉलोनियल माइंडसेट. और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको स्वतंत्र या इंडिपेंडेंस कैसे मिला, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हम गुलाम कैसे बने थे, एक इसके बारे में कोई बात नहीं करता. एग्जैक्ट, जस्ट बिकॉज दे यूज्ड टू कम, आपको लिया, इनको लिया, इनको लिया, अलग अलग करके, आपके बारे में कुछ, मेरे बारे में कुछ, डिवाइड एंड रूल. तो इसीलिए वी वो सो हल्के कानों के थे हम, कि हमारे राजा महाराजा छोटे 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 जो रहते थे, तो उनको डिवाइड, उनके पास बहुत सारी पावर थी या उनके पास बहुत सोल्जर्स था, ऐसा कुछ नहीं था. उनकी स्ट्रेटेजी करेक्ट थी, सेम स्ट्रेटेजी इकोनॉमिकली एंड ऑल यूजिंग अदर टैक्टिक्स चाइना इज यूजिंग, एंड बाकी के कंट्रीज तो उनको सपोर्ट करती थी कोविड 19 के पहले. कोविड 19 आने के बाद बाकी के कंट्रीज को पता चला कि चाइना इज नॉट ओनली थ्रेट फॉर इंडिया, चाइना इज थ्रेट फॉर द वर्ल्ड. अपने जगह पे सही है. ह्यूमन राइट्स किसको मिलना चाहिए जो ह्यूमन है? वॉज कसाब अ ह्यूमन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. व्हेन यू आर किलिंग सो मेनी पीपल, योर ब्रेन एंड योर बॉडी हैज बिकम एनिमल. Exactly. All of human intellect. So why people, why human rights activist was so active at that time के उसको घर वालों को नहीं बताया? और नहीं, actually देखो, human rights activist को fueling किया जाता है. बहुत maximum human rights organizations जो चलते हैं, वो जैसे कि इंडियन कोई human rights organization होगा तो उसको funding जो बाहर के कंट्री से आता है और उनको बोला जाता है, उनको एजेंडा दिया जाता है कि आप इसके खिलाफ बोलो. I have seen. That's the reason why our NGO, since day one, never take any kind of donations and help. We are the all members trustees. We donate from our own pockets. Like CSR fund, jo hamara jama hota hai. So instead of giving to any other NGO, we give it to our own NGO and it runs in a way. And we never accept any kind of donation, not a single rupee. To wo bahar se फ्यूलिंग होती है उनकी, एंड देन उनको एक एजेंडा दिया जाता है. सीन सो मेनी, एंड नाउ दे हैव इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव बैंड सो मेनी एनजीओस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. सो वो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी कंट्री से वो पैसा आया कि आप आवाज उठाओ, आप बवाल करो अपने ही कंट्री में, एंड दे एक्सेप्टेड. वो चीज भी कितनी बड़ी है कि उनका माइंडसेट किस लेवल पे है. क्या माइंडसेट इस लेवल के, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देश के खिलाफ जा रहे हैं. एग्जैक्टली, देयर इज वन थिंग, नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स. मैं दोनों में भी एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो उस टाइम पे जब ये अटैक हुआ 26/11 वाला, अभी के टाइम पे अगर सपोज उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट होती, तो things would have been different for national security, because you said definitely, definitely it would have been different, because see ये ताज में जब अटैक हो रहा था, 2-3 days लगातार अटैक, गोली ये सब हो रहा था एनएसजी आने के पहले भी, तो हमारा जो हमारे जो सीएम थे, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो तभी सीएम थे विलासराव जी देशमुख. वो राम गोपाल वर्मा और उनके सुपुत्र जो है, अभी फिल्म मीडिया में उनका नाम क्या है मुझे पता नहीं, रितेश देशमुख, ही इज एन एक्टर. वो देखने गए कि कैसा वो, उनपे उनको फिल्म बनानी थी. सो व्हाट डज दैट मीन? ही वाज नॉट सीरियस ऑन नेशनल सिक्योरिटी. द होम मिनिस्टर मिस्टर आर आर पाटिल, व्हाट ही सेड, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी हरकतें, ये छोटी है, इज दिस अ स्मॉल थिंग दैट लॉन्ग वे फ्रॉम पाकिस्तान कराची वांट करता होगा वो चीज, कितने के लव्ड वंस वर, यू नो. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी द सीएम ऑफ गुजरात मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वाज इन मुंबई एट दैट प्लेस
when even two terrorists was to be killed. Was to be killed. Killed. उसके पहले वो सीएम गुजरात के सपोर्ट में आए कि इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, ये हो रहा है. ही वॉज देयर. वाई ही इज पीएम टूडे? बिकॉज ही इज इंटरेक्टिव एंगेजमेंट. मेनी थिंग्स ही टोल्ड वेरी रिसेंटली. मिस्टर मोदी सेड दैट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो गेट रॉन्ग समटाइम्स, नो डाउट, बट माई इंटेंट इज नॉट टू बी रॉन्ग. ओके, अनजाने में मैं गलती कर देता हूँ, लेकिन इंटेंटफुली और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट पे मैं कभी. उसीलिए तो हमने ज्यादातर मोदी जी के जो गुड पॉइंट्स है वो हाईलाइट्स किए कि रियली 10 सालों में अगर कुछ इंटरनल इसमें आई एग्री टू सम एक्सटेंट दैट वी हैव सीन थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट थिंग्स, एब्सोल्युटली फाइन, बट नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें ज्यादा उन्होंने कुछ होने नहीं दिया. वो इंटरनेशनल पूरा टीम जो है, तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का जो टीम बनाया काउंसिल में जो सिलेक्ट, सो नो जीरो टॉलरेंस इफ देयर इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. व्हाट ही फर्स्ट, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लो या कुछ भी देख लो, उसमें आज अपोजिशन कुछ भी बोले या कुछ, दे विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस डन बाय एनी ऑफ द कंट्रीज सराउंडिंग अस. नो टॉलरेंस ऑन नेशनल इफ देयर इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. So, we have discussed अभी कि things would have been different in 26/11 if Modi ji government was involved. And so, coming back to the highlight of this, you know, podcast के Ambassador Atmanirbhar Bharat, this particular book, क्यों ये topic आपने उठाया and why not any other topic? Actually, first I thought year back before writing this book. Book I began my writing in on 5th of November 2023. You remember very well. Yeah, very well, because I have written that date before starting writing that first draft, rough draft. So, before 1 year back, I decided to write a book in the name of Certificate Man of India, actually. Okay. So, how I have gained so much certificate and why I want, instead of wasting your time on games and all other things for the youths particularly, I wanted that you can, whoever is interested, not for all, but whoever is interested, you can learn like how I have learned from digital platform and e-learning and all. And you haven't, that 3,000 certificate, you haven't spent money. Yeah, out of 3,000, 2,000 are free of free cost. Free of cost. On various platforms. 12th? No. Actually, I was good before 7th, but eventually, as I was pampered, I have belonged from very good family. Wealthy family, as I told, my father was industrialist and in multiple businesses. So the pampering didn't make me serious about studies. And as dad himself told me that you try sports and do different. He was very supportive. I was boxing, I was wrestler, I was many, many things. My favorite sport was volleyball. Whole day with my own team, I used to practice volleyball. I mean, whole day. स्कूल के बीच में, स्कूल में जो होता है कि पूरा वो हमें टीचर्स भी अलाउ करते थे कि ये बच्चे बहुत अच्छे स्टेट लेवल पे अच्छा खेलते हैं तो उनको खेलने दो, क्योंकि ट्रॉफी लेके आएंगे हमारे स्कूल के लिए. तो उसी लिए थोड़ा सा एक ये मिलता था, लेकिन उससे जो डेविएट हो गए हम स्टडीज से, तो 10th में आई फेल्ड. एंड या आई फेल्ड इन 10th स्टैंडर्ड एंड आई फेल्ड इन माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज मैथमेटिक्स, विच मेरे दोस्तों को मैंने पढ़ाया था और उनको सबको अबाव 70 और ऐसा मार्क्स मिले परसेंट उसमें पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट में, और मुझे था कि मैं फेल हो गया. सब ये हो गया शॉक्ड. तो उस टाइम का आपका अंदर का छोटा लॉयर नहीं जाएगा कि मेरी कॉपी दोबारा दिखाओ मुझे? नहीं, मेरी वो सब, मुझे तो लॉयर नहीं, मैं तो टेररिस्ट बन गया था फ्रेंकली स्पीकिंग. मैंने तो बोला कि बोर्ड उड़ा दूँ, सही में. आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक. फर्स्ट पहले जैसे रिजल्ट लिया बाहर निकला स्कूल के, तो बस आ रही थी, पहले तो सोचा बस के नीचे कूद जाऊँ, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली लाइक माई डैड हैज ट्रिपल इंजीनियरिंग डिग्री, मीन्स 1 BE एंड 2 डिप्लोमाज, एंड दैट टाइम डिप्लोमाज वेर वेरी टफ. My two sister, eldest sisters had triple masters. And in ऐसे घर में फेल होना तो कयामत से बड़ी कयामत है वो. तो फिर कहीं तो शर्म नहीं लगती है, और अभी क्या क्या होने वाला है घर पे जाके, वो एक थोड़ा सा डर सा माहौल लगता है. तो फर्स्ट आई थॉट दैट ये करे नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा कदम उठाया. So, आपने अपने फादर को खुद बताया कि मैं 10th फेल हुआ, टीचर से पता लगा? नहीं, एक्चुअली आई टोल्ड माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज 14 years older than me. So I told her ki
मैंने उनको मस्का लगाया यार, कुछ भी करके बोलो उनको ऐसा किया ऐसा. एंड एक्चुअली दैट टाइम ही वेंट ऑन द सेम डे ऑफ रिजल्ट ही वेंट टू मुंबई फॉर अटेंडिंग वन हाई कोर्ट केस ऑफ अ कंपनी. सो वो रात में लेट में आए थे तब उनको ये पता चला कि और वही वो जो केसेस का माहौल होता था उसी लिए मुझे लगता था कि जैसे केसेस बढ़ते थे उनको फाइट और जो एटीट्यूड वो लॉयर दिखाते थे हमारे पिताजी को इन स्पाइट ऑफ पेइंग देम वेरी गुड फीस फॉर वॉट एवर दे आर ऑफरिंग द सर्विसेज. सो वो करने के बावजूद भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे तो उसी लिए वो जो दिल में रह गया था. यू विल सी आई ट्रीट माई क्लाइंट्स वेरी वेल विथ वेरी रिस्पेक्ट ऑनर एंड अगर वो पे कर रहे हैं तो मैं मेरा दिन रात जुड़ा देता हूँ उनको जस्टिस दिलाने में. तो उस टाइम पे जब तो ये हुआ था तो उसी लिए मैं फिर उससे बाहर आया. वो जो ट्रॉमास था ये था पिताजी ने कहा कि आप डू वेल नेक्स्ट टाइम. एंड ही वाज नॉट मतलब उनको गुस्सा नहीं आया उस टाइम पे. ही वाज वेरी काम. अदरवाइज ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी बिफोर 7th स्टैंडर्ड. ही यूज्ड टू बीट मी कुछ ये इंडियन हाउसहोल्ड में चलता रहता है कहीं ना कहीं से आवाज एक लाफा लगा दिया चलिए कर वो पता लग जाता है कि बगल वाले बच्चे का रिजल्ट आया है. तो दैट टाइम आई वाज आल्सो मायसेल्फ शॉक्ड दैट हाउ ही रिस्पोंडेड. एंड आई वाज गोइंग टू आस्क कि उस रात जब वो आए तो उन्होंने आपको जगाया या बेड से उठाया सीधा. नहीं आई वाज जस्ट सिटिंग एंड ही लुक दिस थिंग्स हैपन डू बेटर नेक्स्ट टाइम. Great. Very clear message and मुझे बहुत बुरा लगा. और फिर मैंने immediately started after 3-4 days I started working in a hotel and hotel में छोटे मोटे काम करने के लग गया मैं कि मुझे अभी पिताजी का पैसा नहीं लेना क्योंकि उनका जो पैसा आ रहा है 10th के बाद से ही कि पिताजी का पैसा मिल रहा है. दे आर पैम्परिंग अस विद ऑल यू लर्न गिटार. मुझे सब ट्यूटर्स आके घर में आके ये पढ़ा रहे वो पढ़ा रहे साइंस पढ़ा रहे. कोई मुझे रेसलिंग जैसा भी जो जोर बैठक के लिए भी हमारे इधर ट्यूटर आ रहे मेरे भाई के लिए आते थे लेकिन भाई नहीं सीखा मैं सीख गए वो सब. तो वो उस तरह का माहौल होता था. वो ऐड देते थे पेपर में वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर ट्यूटर्स कैसियो और एंड ऑल ड्रम्स. सो ये सब उनकी चाहत थी कि अपने बच्चे ने सब कुछ जैसे कि कहते हैं ना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. तो वो उनके दिमाग में वो सब होता था. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हम उसके काबिल नहीं है वो जब हम जो कुछ हमें दे रहे हैं उसके काबिल हम नहीं है. एंड दैट वॉज द फर्स्ट रियलाइजेशन विच आई हैड. एंड माई मदर इमीडिएटली व्हेन शी वॉज बिट एंग्री एंड शी टोल्ड डिग्रेंजी लाइन लॉन्टक इन मराठी means there should be n number of degrees in front of your name. When people will hear this is Manish Jadhav, what are all degrees and what are qualifications, people today are laughing on me that Manish has not failed, his mother has failed, some people even told. But it was later on I took it on my own self and I'll ki aapka iske aage se kabhi hi gardan niche nahi hoga. तो उस मोमेंट पे तो उससे फिर मैंने सेल्फ जर्नी स्टार्टेड. आई स्टार्टेड पेइंग फॉर माय ओन फीस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. आई कंप्लीटेड माय 11th एंड 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड इमीडिएटली आई जॉइन द 5-year लॉ कोर्स. तो उस टाइम पे जब यू वर वर्किंग इन अ होटल आप छोटा काम कर रहे थे ही वाज डिग्निफाइड पर्सन. हां ही फील अशेम्ड एक्चुअली उस टाइम पे ही फील अशेम्ड. Actually, once when I was in 5th or 6th standard, that time, pitaji bole, ja, apne aap pe kuch nahi kar sakta. Aise thoda sa gussa ke bole, ja, paisa tumko char paisa kamane ki akal nahi aur ye sab karte ho. Jao, paisa kama ke dikhao. So actually, I went and I sold before ghat, you know, ghat, navratri rehta hai. Uske pehle ghat baithte hai humare yahan par. To mitti bechne ka kaam kiya maine. When I was in 6th standard with my friend. So, मिट्टी बेचा और पैसे लेके आया 70 rupees I earned wholly. So, वो मैंने किया था और वो सब मैं सब भूल गया था वो तभी वो किया हुआ. तो एक बार क्या हुआ कि मैं गया तो पिताजी के एक फ्रेंड थे वो भी बहुत बड़े बिल्डर थे. वो हंसने लगे पिताजी को बोले अरे यार क्या तेरा बेटा ये कर रहा है काम तो वो बंद कर दे. और वो भी मुझे चिल्लाए कि तुझे शोभा नहीं देता ये क्या कर रहा है तू. वो गलती से आए थे वो रजिस्ट्री के ऑफिस में और उन्होंने मुझे देखा ये करते वक्त. तो वो बोले अरे क्या है तू अरे ये क्या कर रहा है तू. तो ऐसा वो बोले रख वो नीचे सब हाथ का वो ट्रे वगैरह सब. तो मैं बोला कुछ नहीं दिक्कत नहीं है मुझे मुझे दिल से चोट लगी मैं ये करूंगा. मैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है.
अगर मुझे अच्छा फैसिलिटी मिलता है तो मैं अच्छा बीएम नहीं करता हूँ, इसका मतलब दिस इज पनिशमेंट टू मी, आई डोंट डिजर्व दैट अनलेस एंड अंटिल आई अर्न माई सेल्फ आई विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ मनी वॉट योर पेरेंट्स आर गिविंग फॉर. सो वो लग गया था, तो मैं बीच में कुछ चीज के लिए गया मेरे घर पे और मेरे माता पिता का ये कॉन्वर्जेशन चालू था. तो पिताजी हमारे मम्मी को कह रहे थे कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है, एक तो पहला 10वीं में फेल हुआ, अभी ये सब कर रहा है, तो ये होने के बाद मैंने सुना. और तब मेरे मम्मी ने उनको कहा, उनको नहीं पता था कि मैं आया हूँ पीछे से. अच्छा. वो किचन में थे पर्टिकुलरली, तो मैं पीछे से आया और तुरंत मेरे माँ ने कह दिया कि माझा मुलगा माझ्या मुलांनी रस्त्यावर बसून माती विकलेली, माझा पोरगा फेल नाही जाणार. मीन्स रस्ते पे बैठ के मेरे बेटे ने मट्टी बेची है जब सिक्स स्टैंडर्ड में. मेरा बेटा कभी भी फेल नहीं हो सकता. आज कुछ देर के लिए वो फेल हो चुका है, जब वो खेलेगा, जब वो अचीव करेगा, तो इतना बड़ा कुछ अचीव करेगा तो आप सोच नहीं पाओगे, ऐसा वो कॉन्फिडेंस था मेरे. और वो भी एक एडिशन हो गया कि दोनों का सपोर्ट, वो भी इतने इतना इतना ये सुन के कि इंटेंटफुली जब कह रहे, तो बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, उनको पता चलता है ये इंटेंटफुल चल रहा है, लेकिन ये इंटेंटफुल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं कि आई हैव एंटर्ड माय होम. तो जैसे उस टाइम पे मतलब एक वो आई होगी कि माँ को, तो जो लड़के होते हैं दे कैन हग, हैव यू हग्ड योर फादर इन योर होल लाइफ? नो. I even today this book has been written in his memory because of that only. I am Atmanirbhar because of him. He was Atmanirbhar. He was also from very good background, but he made his own destiny, created his own destiny rather. And जैसे कि मेरा respect इतना, आज भी मैं उनके chair पे कभी नहीं बैठता. मेरे सब भाई बहन सब बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका outlook है. लेकिन I never ever sit on his chair. I have जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी उतना ही रिस्पेक्ट मेरे पिताजी के टुवर्ड है और रहेगा हमेशा. सब वेरी मतलब ये वो होता है ना कि हाँ उल्टा जवाब नहीं देना. हम वो फैमिली बैकग्राउंड से कि उनको गलती से भी कुछ ये वो चिल्लाते मारते फिर भी कभी आपने क्यों कुछ नहीं बोलना. एग्जैक्टली. सो कमिंग बैक टू द बुक, लाइक How you have become ambassador of Atmanirbhar Bharat? कैसे वो चीज़ हुई? Actually, it was a coincidence. One magazine came to take my interview, and they printed in their magazine that this guy Manish Jadhav is all round ambassador of Atmanirbhar Bharat. That time in 2020 and onwards, 22 ये pick up कर दिया था कि जो मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू कर दिया था कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो उस टाइम पे कोविड में शुरू किया था, तो कहीं ये तो नहीं कि चीजें धीमी पड़ गई थी? द होल नेशन वाज धीमी भी पड़ गई थी. और उधर जरूरत थी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की, वो मोटिवेशन देनी थी, मोटिवेशन लेने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए. अगर आप सेल्फ रिलायंट, व्हाई आई एम एबल टू टच सो मेनी फील्ड्स लाइक आर्बिट्रेटर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, उसके कोर्सेस करने पड़ते हैं अलग से प्रोफेशनल. बिकॉज द बेस इज आई एम आत्मनिर्भर, क्योंकि मैंने होटल चलाया है बचपन में, मैं जानता हूँ स्टार्टिंग से व्हाट इज. आई वॉज आत्मनिर्भर फाइनेंशियली, आई वॉज इंडिपेंडेंट, मीन्स फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता. ये एक बार वो तो एक दिन का इंसिडेंस था, लेकिन ये आत्मनिर्भर था उस लिए ये सब मैं कर पाया. अगर मेरे पास पैसा ना होता था तो मेरी चाहत भी होके भी मैं नहीं कर पाता. नहीं कर पाते. सो बेस इज आत्मनिर्भर. एंड ऑल्सो माई वाइफ हु इज द को-ऑथर ऑफ दिस बुक, शी इंसिस्टेड मी. आई वॉज थिंकिंग टू राइट अ बुक ऑन पर्टिकुलर डिफरेंट टॉपिक्स, टू थ्री टॉपिक्स, वन मैन मेनी शोज, एंड वी चोज थ्री फोर टॉपिक्स. But this was more suitable, Ambassador Atmanirbhar Bharat, because in that topic, whenever you used to search, eventually I get came to know from my friends that Atmanirbhar Bharat डाला तो Google पे Manish Jadhav नाम आता है. तो I was how is it possible? तो इतना बड़ा कंट्री है और उसमें एम्बेसिडर आत्मनिर्भर भारत डाल दिया तो मनी ज्यादा होने लगा. ये एसईओ के टेक्निक्स मेरे को भी बाद में शूट के तो ये सब होने लगा. तो टेक्निक है कि क्या? तो मुझे तो मैंने साइबर लॉक्स किया है, तो मैंने बोला कि ये सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन का काम है. Exactly. वो AI है, बाकी का है, लेकिन फिर भी इट इज सो डिस्टिंग्विश्ड अमॉन्ग ऑल द इंडियंस, ओनली एक ही नाम आता है.
तो उसमें मोटिवेशन मिल गया कि अभी ये नाम आ रहा है तो हम कुछ तो करेंगे करें, और एग्जैक्टली उसमें ऐसा करेंगे कि जैसे कि वी हैव रोल मॉडल्स भी दिए जो पहले थे और अभी जो है अलाइव है, कि धोनी, MS धोनी, रतन टाटा जी, खुद नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जी. आत्मनिर्भर है, खुद उनका भी जो जर्नी है लाइफ का वो हाँ, वो बहुत स्टार्टेड एज अ टफ चाय है. वाला. मोदी मोदी भी टीटी थे, आप सॉरी धोनी 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 जो वॉज थे टीटी. वो ही हाँ. वो टीटी तो ये सब ये ऐसे बैकग्राउंड के लोग चूज किए हैं कि जो जिन्होंने लाइफ में कुछ तो किया किया है अपने अपने दम आप से. पे. तो उसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, और मेरा खुद का फिर वाइफ ने 3 चैप्टर्स में लिखा है हाउ ही बिकेम सर्टिफिकेट मैन ऑफ इंडिया विद द दैट थ्री मैक्सिमम थाउजेंड सर्टिफिकेट्स. सर्टिफिकेट्स. ही हैज रिकॉर्ड एज वेल एज रिकग्निशन एज मेनी मेनी अदर थिंग्स. सो ये एक बात हुई, डिफरेंट रिकॉर्ड्स, ये वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स. और उसके अलावा ये बंदा कैसे बन गया है एम्बेसिडर, वो तो वाइफ ने लिखा है कि बाबा एम्बेसिडर आत्मनिर्भर भारत या ऐसा ऐसा सब चीजें हुआ, इसके पीछे का हिस्ट्री ये है. एंड देन शी मोटिवेटेड मी टू राइट एंड चूज दिस टॉपिक. एंड वी यूज टू डिस्कस, मी एंड माई वाइफ यूज टू डिस्कस, हर नेम इज सोनाली, वी यूज टू डिस्कस आत्मनिर्भर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भारत को करने के लिए, और क्या क्या टॉपिक्स. ये जो 12 चैप्टर्स है इसमें, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो मुझे पता है कि मैंने ये बुक में जब लिखा, ये वो बुक है जिसमें ड्राफ्ट शुरू द कर दिया फर्स्ट था. ड्राफ्ट. हाँ, ये दिस वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट बुक. एंड इसमें जब शुरू किया तब हम डिस्कस करने लगे. जब भी मैं लिखता था पूरा होता था, मैं रूम में लॉक करके लेता था अपने आप को कि अकेले डिस्टरबेंस में. नहीं होना चाहिए, तो उसमें लिंक नहीं टूटना चाहिए. तो वो सब होने के बाद मैं लिखता था लिखता था लिखता था. और मैंने ये बुक जब टाइपिंग को दी, हमारे कोर्ट के क्लर्क है तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये टाइपिंग करके, मेरे पास जरा स्केड्यूल मेरा टाइट है. तो उनका नाम दत्ता जी है, मिस्टर दत्ता. ही यूज टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ आसाम इवेंचुअली, उस टाइम. सॉरी फर्स्ट. तो उनका जो ये हुआ ना, तो उन्होंने ये जब टाइपिंग कंप्लीट हुआ, तो आपने पता है कितना ट्रू, इतना भारी किताब लिखना जा रहे हैं आप. तो फर्स्ट फर्स्ट दैट वाज अ फीडबैक फर्स्ट कि रिव्यू कुछ तो हम कर आपकी रहे हैं. मैं तो ड्राफ्ट. फर्स्ट टाइम ऑथर किसी को. हूँ हाँ. बुक का, तो फर्स्ट टाइम आई थॉट दैट अरे यार कुछ तो अच्छा हुआ है. मैं तो अदरवाइज फिंगर्स वो क्रॉस्ड एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि एंड व्हाट क्या आई एम होगा, राइटिंग. कैसा रिव्यू होगा तो इस बुक उनका ये का. आया, और मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा एक ब्लूरोज पब्लिशर्स एंड ब्लूरोज होल टीम की, मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको इतना अच्छी तरीके से कंफर्टेबल करके, उनका जो थॉट उसमें डाल के. ऐसा मैंने आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद वेरियस अदर पब्लिशर्स फॉर अदर बुक्स, ऑब्वियसली नॉट फॉर माय बुक, बट आई हैव बीन नोन देम, दे नो मी वेरी वेल. बट आई चूज दिस पर्टिकुलरली देखिए, मैंने जो वर्क एनवायरमेंट देखा ब्लू रोज पब्लिशर्स का, वो भी मैंने उसमें भी थैंक्स किया है. आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर ब्लू रोज पब्लिशर्स एंड होल टीम. आई हैव ऑल्सो एक्सप्रेस इन एंड आई अप्रिसिएटेड दैट टीम एफर्ट्स, वॉट एवर दे आर डूइंग, इट्स रियली यूनिक. एंड आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर लिटरेचर बनने के लिए आत्मनिर्भर ब्लू रोज होना बहुत जरूरी है. सर द प्लेजर इज इट्स ऑल वेरी आर. इंपॉर्टेंट. मतलब आपने चूज किया वो चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए भी, कि हाउ यू नो वी गॉट टू नो द मनीष यादव. सो यस, दैट वॉज वेरी सो ग्रेटफुल ऑफ दिस यू. वॉज मिस्टर दत्ता सेकेंड इंसिडेंस. टू रनिंग टूवर्ड्स द एंड वेरी सुन. सो एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपन, एंड इसमें से हम IPC के कुछ सेक्शंस का नाम लेंगे धारा का, एंड यू हैव टू गेस कि वो कौन सी है. तो जी बहुत क्विक रखेंगे ये चीज़. एंड आई नो IPC बिकॉज ये क्वेश्चन एक आई डोंट जुलाई से रिमेम्बर ऑल बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर. कट कर देंगे वो. जी तो IPC 1 जुलाई पहले का है, तो तभी BNS नहीं है. ठीक ओके, है. सो फर्स्ट इज 302 मर्डर. मर्डर, 354 क्रुएल्टी, 420 चीटिंग, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग इज 416. ग्रेट, एंड द लास्ट इज 148. 295A. नो, कोई नहीं, कोई इशू सर. यू हैव गेंड फिर बिकॉज से आई 80% से डोंट, ज्यादा अभी भी आपने आंसर दिया आई है. डोंट प्रैक्टिस इन क्रिमिनल एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एक्चुअली. तो ये आई गेस वो थोड़ा, बट अभी भी 80% से ज्यादा, बट हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है अभी आपके कलेक्शन में बढ़ाने के लिए. एंड लास्टली थैंक यू सो मच मनीष सर फॉर कमिंग हेयर एंड यू नो एक्सप्रेसिंग दिस ऑल दिस यू नो नॉलेज, द
जो भी चीज़ आपने आज शेयर करी एंड योर थॉट्स, इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. जय हिंद. आत्मनिर्भर भारत. जय हिंद.